वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ढाबे वाला नूडल्स। तो मैं यहाँ पे चिंग्स का नूडल्स यूज़ कर रही हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए पहले से अंत तक और वीडियो को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। तो आइए हम बना लेते हैं। पहले मैंने 10 कप पानी लिए हैं और इसको पहले उबाल लेते हैं। पानी उबल चुका है, फिर हम इसमें डाल देते हैं चिंग्स का नूडल्स ऐसा तोड़ के, और इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। और 2 टीस्पून ऑयल खाने का। ये ऑयल डालने से ये नूडल्स चिपकेगा नहीं। फिर हमने ये नूडल्स को 2 मिनट तक पका लेते हैं। ये नूडल्स पक के 2 मिनट हो चुका है, अब हम छान लेते हैं इसको। ये देखिए, मैंने इसको छान लिए हैं और फिर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। और दोबारा इसको फिर से छान लेंगे। मैंने नूडल्स में पानी छान लिए हैं और ये प्लेट में ऐसा फैला दिए। तो आइए आगे का बना लेते हैं। मैं नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। फिर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, कटी हुई सूखा मिर्च, इसको थोड़ा सौते कर लेंगे। फिर हम हरा मिर्च डाल देते हैं। अब हम इसमें ऑनियन ऐड करें। फिर कटी हुई कैप्सिकम, अब इसमें जाएगा कटी हुई गाजर, और फिर इसमें कटी हुई पत्ता गोभी। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। और 2 मिनट तक इसको पका लेते हैं। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर हम इसके ऊपर विनेगर डाल देते हैं। फिर हम ऐड करें सोया सॉस,
चिंग्स का सोया सॉस है, फिर हम इसको और 3-4 मिनट पका लेते हैं। 3 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें शेजवान नूडल्स मसाला डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसके ऊपर ग्रीन चिली सॉस डाल देते हैं। ये ग्रीन चिली सॉस, ये वाला ग्रीन चिली सॉस खरीदेगा, ये ओरिजिनल है, तो नकली भी मिलता है बाजार में। अब इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर टमाटर सॉस डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है। इसको भी हमने 2 मिनट तक पका लेते हैं। और आखिर में हमने रेड चिली सॉस डाल देती हूँ इसमें, तो फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको हम मिला लेते हैं। अब हमारा ये धावे वाला नूडल्स रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं सर्व। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा धावे वाला नूडल्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने सॉस के साथ और ककड़ी के साथ डेकोरेट कर दिया है। आप लोग टमाटर सॉस के साथ और ककड़ी के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए, घर पे बनाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे साथ पहले से अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।